बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू जॉब की इंफॉर्मेशन के हवाले से। और ये जॉब्स जो अनाउंस की गई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अनाउंस की गई हैं जॉब्स, और काफ़ी अरसे के बाद दोबारा अनाउंस हुई हैं, अनाउंस की गई हैं जॉब्स, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन 2 महीने पहले भी इसमें टीचिंग की जॉब्स आई थी, आप भी इन्होंने दोबारा अनाउंस की हैं और काफ़ी तादाद में अनाउंस की हैं, जिनमें हैं इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं और रिसर्चर्स की जॉब है, रिसर्च ऑफिसर की। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें उन्होंने लातदाद जॉब्स अनाउंस की हैं। तो इसका तरीकाकार अगर आपको नहीं पता तो वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और आपने भी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको नए आने वाली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन बकायदा SMS नोटिफिकेशन मिलता रहे तो इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और इसके साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और साथ ही यहाँ पे भी टिक करके सेव कर दीजिए। ये जी एक वेबसाइट है जहाँ से मैं अक्सर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से ओपन करके आप उससे भी रीड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा FPSC, यहाँ पे आपके सामने अनाउंस मोर जॉब इंस्पेक्टर एंड रिसर्च ऑफिसर की, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल इसकी दी गई है, यहाँ से आप रीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें जो अनाउंस की गई है वो यहाँ पे बताया हुआ कि डिवीजन मिनिस्टर और स्टैटिक्स मिनिमम रेटिंग इस, बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया, यहाँ पे केस वाइज यहाँ बताना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे 8 जो है 8 की तादाद में इंस्पेक्टर अनाउंस की है, यहाँ पे इन्होंने परमानेंट है इसके लिए जो कैटेगरी वो सारी उन्होंने बीच में बताई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे 3 इंस्पेक्टर BS-16 स्केल के लिए इन्होंने अनाउंस की है, वो अलग डिपार्टमेंट में, ये भी परमानेंट है। और इसके बाद 13 जो है हेड ऑफ स्टैटिस्ट ऑफिशियल्स परमानेंट ऑफिस के लिए इन्होंने अनाउंस किए हैं यहाँ पे, ये भी डिटेल आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद अनाउंस हुई यहाँ पे डिप्टी कैप्टन सुप्रीटेंडेंट की हुई है अनाउंसमेंट, और ऑफिशियल ऑफ ट्रांसलेशन 3 ट्रेन ग्रेजुएट साइंस टीचर की यहाँ पे अनाउंस हुई है, और डायरेक्टरेट अटैच्ड मेडिकल की आ जाती है यहाँ पे, 9 जो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टरी की यहाँ पे अनाउंस हुई है, और इसके बाद है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की है 17 स्केल की, ये सारी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई है कि कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या कुछ होना चाहिए आपके पास, वो पूरी डिटेल यहाँ से आप रीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद अप्लाई करने का तरीका भी यहाँ पे बताया हुआ है। इसके लिए आपने, ये मेन चीज़ है कि अगर जो स्केल जो 16 और 17 के लिए जो है वो 300 का आपने चालान पे करना है, 18 का जो है आपने उसके लिए 750 का चालान पे करना होगा, बाकी उन्होंने सब तरीका का यहाँ बताया हुआ, नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक में आपने वो चालान पे करना होगा। उसके बाद रिलैक्सेशन भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे एज लिमिट है प्रिस्क्राइबर इन द रिक्वायरमेंट रूल्स विल बी रिलैक्स्ड इन कंप्लायंस, यानी कि 5 साल की इसमें रियायत दी गई है, उन्होंने जो रूल 1993 का था उसके अंदर भी 5 साल की रियायत दी जा रही थी, उसको लेके ही चलते हैं आगे। तो 5 साल की जो है इन्होंने एक किस्म की इसके अंदर रियायत दी हुई है, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द कमीशन कंटेन्ड इन पैराग्राफ, बाकी ये चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं, खुद से रीड करना जो कर सकते हैं, ये इनका ऐड है ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, यहाँ से भी रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक है, क्लिक करेंगे इनकी अपनी ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है मैंने पहले से वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं वीडियो में तरीका बता रहा हूँ करके, तो वैसे वैसे आप साथ करते रहें तो आपका भी वो फॉर्म फिल कर लेंगे, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि बाकी भी इसे फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कोई चीज़ का कोई मसला आ रहा है, कोई समझ नहीं लग रही आपको, तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे आपके साथ बाकी वीडियोज़ भी शेयर करता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।